Welcome to our YouTube channel 24/7 AP Library. Today we have the topic of Plus One Fine Arts. In previous video we have discussed Introduction to Art. Now we will discuss the relation of art with some other terms. First is art and aesthetics. Deriving from the Greek word for perception, aesthesis, and first used in the 18th century by the German philosopher Alexander Baumgarten. The term aesthetics refers to the principles governing the nature and appreciation of beauty, and especially in visual art. Means aesthetics, the term aesthetics refers to the principles governing the nature. ये term nature को जो principles govern करते हैं, चलाते हैं, उनको refer करती है. And appreciation of beauty, especially in visual art. और visual art को देखते ही जो beauty की हम appreciation करते हैं, praise करते हैं, उसको refer करती है. Academically speaking, aesthetics refers to the branch of philosophy which deals with the issues of beauty and artistic taste in addition to the creation and appreciation of beauty. Academically, हम aesthetic term को as a branch of philosophy लेते हैं. एक philosophy की branch है जो beauty के बारे में डिस्कस करती है, ब्यूटी के बारे में आर्टिस्टिक टेस्ट को डिस्कस करती है. इट इज आर ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ इट. इट इज अंडरस्टूड थ्रू इंट्यूशन एंड एक्सपीरियंस्ड विद ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशंस. इसको समझा जा सकता है जो वो सिर्फ इंट्यूशन के थ्रू या फिर जो भी ह्यूमन फीलिंग्स हैं या इमोशंस हैं उनको एक्सपीरियंस करके. एन एस्थेटिक एक्सपीरियंस कुड इंक्लूड अ मिक्सचर ऑफ फीलिंग सच एज प्लेजर, रेज, ग्रीफ, सफरिंग एंड जॉय. तो इन सारी फीलिंग्स के का एक मिक्सचर है ये. कोई भी एस्थेटिक एक्सपीरियंस है वो इन सारी फीलिंग्स का मिक्सचर हो सकता है या किसी एक फीलिंग के बारे में भी हो सकता है. ऑन द सेम लाइंस, वन एनसाइक्लोपीडिया डिफाइंस आर्ट एज द यूज ऑफ स्किल एंड इमेजिनेशन इन द क्रिएशन ऑफ एस्थेटिक ऑब्जेक्ट्स, एनवायरमेंट्स और एक्सपीरियंसेस दैट कैन बी शेयर्ड विद अदर्स. और इन्हीं लाइंस में एक एनसाइक्लोपीडिया ने आर्ट को भी डिफाइन किया. The use of skill and imagination in the creation of aesthetic objects. Aesthetic objects की creation में जो भी skill या imagination use हुई है वही art है. या फिर उसके environments में, environments को create करने में, और experiences that can be shared with others. और कोई भी एक experience जो दूसरों के साथ share किया जा सकता है. This was the comparison of art and aesthetics. Now we will move to the comparison between art and beauty. अब art and beauty का comparison करते हैं. Art is a verb, an action, something that an artist does.
आर्ट है जो वो एक आर्टिस्ट का एक्शन है, जो आर्टिस्ट करता है उसे ही आर्ट कहते हैं। आर्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर ओपिनियंस इमोशंस फीलिंग्स एंड डिजायर्स दैट फाइंड लैंग्वेज इन विजुअल मीडिया। आर्ट है जो वो ओपिनियंस की इमोशंस की फीलिंग्स की एक्सप्रेशन है, उनको एक्सप्रेस करना है। दैट फाइंड लैंग्वेज इन विजुअल मीडिया, जो विजुअल मीडिया में भी लैंग्वेज और वर्ड्स फाइंड कर लेते हैं। इट इज एब्सोल्युटली पर्सनल, इट इज अबाउट शेयरिंग द वे वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। ये एब्सोल्युटली पर्सनल है, ये किसी एक पर्सन का व्यू हो सकता है कि कैसे उसने जो इस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस किया है, कैसे उसने इस वर्ल्ड को देखा है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ आर्टिस्ट पर्सनैलिटी, ये आर्टिस्ट की पर्सनैलिटी की एक्सटेंशन है, एडिशन है उसका। एंड अ मिरर ऑफ हिज सोसाइटी, और सोसाइटी का जो है ये मिरर है जो आर्ट है, क्योंकि जो भी सोसाइटी में कोई आर्टिस्ट देखता है वो ही वो अपनी आर्ट में रिप्रेजेंट करता है। आर्ट कम्युनिकेट्स दैट विच इज टू डीप टू बी कम्युनिकेटेड बाय वर्ड्स अलोन। आर्ट उस चीज को भी कम्युनिकेट कर सकती है जो अकेले वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट नहीं की जा सकती। What then is beauty? Beauty is much deeper than cosmetic or decorative. It is only not only about attractiveness or prettiness. There are plenty of attractive pictures available in the local furnishing stores. Beauty is rather a measure of affection, a measure of emotion. कोई भी emotion की representation है वो ही beauty है। It is much larger and wider than order and symmetry that catches our eye. In the context of art, beauty is the measure of successful communication between participants. The communication of a concept between the artist and the perceiver. ये जो art वो participants में communication है। Participant कौन कौन है यहाँ पे? Artist है और किसी भी art का onlooker है, उन दोनों में communication है। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है मीन्स जो आइडिया आर्टिस्ट देना चाहता है वो ऑनलुकर के पास पहुंच जाना चाहिए। The relationship of art, aesthetics and beauty deepens further, much beyond the conscious as we start exploring. इन तीनों का जो relationship है वो और भी ज्यादा deepen हो जाता है, ज्यादा depth में चला जाता है जब हम किसी भी चीज को explore करना start करते हैं। Now, fine arts. Fine arts is a term used for those arts that give us
इनर प्लेजर और हैप्पीनेस, दे आर फाइव इन नंबर। पोएट्री, म्यूजिक सच एज डांस, ड्रामा एंड थिएटर, दीज आर परफॉर्मिंग आर्ट्स। पेंटिंग, फोर्थ इज स्कल्पचर एंड फिफ्थ वन इज आर्किटेक्चर। These are five kinds of fine arts. Now we will discuss art versus craft. Historically, the term craft was used to refer to the people who took part in small scale production of goods. That could be used for functional purposes. Craftsmen were people trained in a particular craft, often from generation to generation in families. ट्रेंड पीपल होते हैं वो अपनी पर्टिकुलर क्राफ्ट में, किसी भी पर्सन को ले सकते हैं इसमें। जैसे एक टेलर है, तो टेलर है जो वो एक ट्रेंड पर्सन है अपने काम में, वो उसका जो काम है टेलर का काम कोई दूसरा पर्सन नहीं कर सकता, वो सिर्फ टेलर ही करेगा। दीज पीपल वुड फॉर्म अ गिल्ड दैट वर्कड to preserve the craft with its authenticity for centuries and travel from towns to cities in order to sell their goods for a profit. ये जो person है सारे वो किसी ना किसी profit के लिए ये goods बनाते हैं, इनकी production करते हैं, और towns to cities वो अपना travel करते हैं अपने goods को, अपने प्रोडक्टिव मटेरियल को बेचने के लिए। क्राफ्ट इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स सच एज सेरामिक पॉटरी, ग्लास, फाइबर, मेटल वर्क्स एंड ज्वेलरी, एज दे सर्व बोथ एन एस्थेटिक पर्पज एज वेल एज फंक्शनल पर्पज। ये जो सारी आर्ट्स हैं सारे के सारे, इसमें फंक्शनल पर्पस भी है और एस्थेटिक पर्पस भी है, क्योंकि ये सारे किसी ना किसी बेनिफिट के लिए भी काम करते हैं और अपनी इनर हैप्पीनेस के लिए भी काम करते हैं। बोथ आर्ट एंड क्राफ्ट are areas of creativity that are almost always used, but the key difference lies in their utility. Art requires skill to create works that have an aesthetic and decorative purpose. Craft is all about creating objects that have an aesthetic as well as a functional purpose. Art is individual creativity, whereas craft is collective production in which the beginners followed a complete journey of mastering the skill in a guild. Art is a form of work related to aesthetics and can be described as an expression of emotions. Craft is a form of work which results in a substantial output in a physical form, for example molding and carving. Art is often described
as free and unstructured. It has no limitations of expression, for instance, in painting. Craft, on the other hand, is planned, which means that it has a certain pre-decided and fixed form. Art cannot be quantified, while craft can be. So, duplicate forms can be made in craft, whereas in art, replicas can be made but not duplicates. Art is the product of an individual's natural talent, which he derives from his own heart and soul, whereas craft is the result of a mindful experience. There are many cultures which do not differentiate the two. Now, in new school of thought, when decorative arts like African masks, wood carving masterpieces, ceramics, etc. also hold a prized position in the museums, the line between the two has blurred. They both influence and inspire each other, hence the terms art and craft have been dispensed and the new term visual art has taken their place. Now, the difference between art and craft, which we can understand from all this, art is the inner talent of an individual, but craft is acquired after the mastering of an occupation. Art is वो इनर हैप्पीनेस देती है. आर्ट को दो टाइप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज यूजफुल आर्ट, सेकंड इज फाइन आर्ट. यूजफुल आर्ट है जो वो आउटर कंफर्ट के लिए की जाती है. आउटर कंफर्ट और फिजिकल कंफर्ट मींस फॉर एनी बेनिफिट. फाइन आर्ट है जो वो इनर कंफर्ट के लिए और इनर प्लेजर के लिए की जाती है. वो अपने शौक से की जाती है. द लाइन बिटवीन दीज टू हैज ब्लर्ड. लाइन है जो दोनों के बीच में एक डिफरेंस की लाइन है जो वो ब्लर हो चुकी है. Please subscribe our channel 24/7 AP Library for more videos and press the bell icon for instant notifications for our next videos. In the next videos of Fine Arts, we will have the topic Fundamentals of Art. In next videos, we will be with you with this topic Fundamentals of Art of Fine Arts of +1. Thank you.